दोस्तों सालार और दंकी के क्लैश के बीच एक बड़ा विवाद हो गया है और ऐसा लग रहा है कि गैमा गैमी में पेलम पेली हो जाएगी एक फिल्म की। अब कौन सी फिल्म की होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल तो दोनों ही फिल्में एक दूसरे से टकरा रही है और टकराना इनका इतना ज्यादा भारी पड़ गया है कि दोनों फिल्मों को नुकसान बड़ा हो सकता है। दरअसल सालार और दंकी एक दिन आगे पीछे आ रही है, जहां दंकी रिलीज होने वाली है 21 तारीख को तो सालार 22 दिसंबर को रिलीज होगी। एक ही दिन के इस गैप के अंदर कई सारी चीजें सामने आई है, यानी कि ये सारी माल प्रैक्टिस जो सामने आई है वो एसआरके की टीम की तरफ से सामने आ रही है कि वो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एसआरके की टीम जो है वो हाल फिलहाल सिंगल सिनेमा ओनर्स को पूरी तरीके से ये बात कह रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ दंकी फिल्म को ही फ्राइडे को प्रसारित करें, यानी कि दूसरी फिल्म प्रभास स्टारर सालार को वो ना दिखाए। 100% डिमांड वो दंकी की ही कर रहे हैं, लेकिन सिंगल स्क्रीन एसोसिएशन ने एक स्टैंड लिया है और उन्होंने दंकी को ही लगाने से मना कर दिया है और कहा है कि हाल फिलहाल वो ये करेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा चोट पड़ती है। इसके अलावा सालार ने भी एक बड़ी प्लानिंग कर ली है, उन्होंने अपने साउथ इंडिया के अंदर पूरी तरीके से जो बड़े मल्टीप्लेक्स चेन है पीवीआर आइनॉक्स मिराज, इनको पूरी तरीके से हर्ट करने के लिए हाल फिलहाल उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया है कि वो इन बड़े मल्टीप्लेक्स चेन के अंदर अपनी फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे और सिंगल सिनेमाज में ही अपनी फिल्म को रिलीज करेंगे। अब दंकी अगर ऐसा कर रही है तो सालार कहीं ना कहीं से तो जवाब देना उनका बनता भी है। हालांकि प्रभास ने कहा है कि एसआरके उनके फेवरेट है, लेकिन एसआरके उनके साथ ऐसा कर रहे हैं कि तो थोड़ी सी बात पच नहीं रही। आपका क्या कहना है इसको लेकर कमेंट करके अपनी राय बताएं और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।